15 अगस्त को दिल्ली में मंत्री कैलाश गहलोत फहराएंगे झंडा। एलजी ने किया अधिकृत। केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर मांगी थी मंजूरी, सामान्य प्रशासन विभाग ने नहीं मानी मांग। दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश। कहा सीबीआई को तुरंत सौंपे जाएं केस से जुड़े सारे दस्तावेज। इस्तीफा देने वाले कॉलेज प्रिंसिपल की नई नियुक्ति पर भी उठाए गए सवाल। जल्द खत्म हो सकती है डॉक्टर्स की हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिए संकेत। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर डॉक्टर्स की ऑल इंडिया हड़ताल। कन्नौज की घटना को लेकर अखिलेश और राहुल पर बीजेपी हुई हमलावर। सुधांशु त्रिवेदी बोले, यूपी के दो लड़कों की ताकत बढ़ने के साथ अपराधियों की हिम्मत भी बढ़ी। कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी से पूछा, प्रिंसिपल के साथ इतनी ममता क्यों। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 7 दिन की पैरोल। इलाज के लिए महाराष्ट्र लेकर जाएगी पुलिस। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है आसाराम। पतंजलि विज्ञापन मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना केस हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार किया। सीएम योगी या फिर अखिलेश शिवपाल पर हमला। बोले, अब नौकरी में पारदर्शिता से चयन। 2017 से पहले चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लग जाया करती थी। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसकी जांच ना हुई हो। दिनेश फोगाट की अपील पर आज आने वाला है फैसला। सिल्वर मेडल को लेकर आज शाम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का जजमेंट। विनेश की संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का बड़ा कदम। राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस। हिंदुओं के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश।